CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक इब्तदाई उर्दू के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम नेकी। एक थे मियां पम्मी और एक थी उनकी आपा। अपनी आपा को मियां पम्मी अप्पी कहा करते थे। एक दिन शाम को दोनों सैर के लिए निकले। पम्मी, चलो इस तरफ पटरी पर चलते हैं। ठीक है अप्पी। हाँ, शाबाश। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि सड़क पर एक बटुआ पड़ा पाया। अरे अप्पी, ये देखिए, ये तो कोई बटुआ है। कहाँ? ये रहा देखिए। ओहो, न जाने किसका गिर गया। उठाना तो। ये लीजिए अप्पी। पम्मी की अप्पी अभी कुछ कहने ही वाली थी कि सामने से एक लड़का आता दिखाई दिया। बेचारा बहुत परेशान, सर झुकाए जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। यहाँ होगा, थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद यहाँ गिरा होगा। एक बार यहाँ भी देख लेता हूँ। या खुदा, यहाँ भी नहीं मिला। अप्पी, वो देखिए, वो लड़का कुछ परेशान सा लग रहा है ना? लग तो रहा है। चलो इससे चलकर पूछते हैं क्या हुआ। हाँ, ठीक कहते हो। अब सुनो। जी कहिए। तुम कुछ परेशान हो, खैर तो है? जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी अम्मी सिलाई का काम करती है और आज मेरा बटुआ गिर गया। उसमें 50 ही रुपए थे और मुझे बाजार से घर के लिए राशन लाना था। पता नहीं कहाँ गिर गया। कहीं ये तुम्हारा बटुआ तो नहीं, यहीं पड़ा मिला था हमें। बटुआ देखकर लड़का उछल पड़ा और बोला, ये कहाँ मिला आपको? मैं तो ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हो गया। इसमें मेरे 50 रुपए भी होंगे। देखें तो अप्पी, क्या इसमें पैसे हैं? अरे हाँ पम्मी, इसमें 50 रुपए ही हैं। ये लो अपना बटुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों बहुत ही नेक दिल हैं। अल्लाह आपको बरकत दे। अरे शुक्रिया कैसा, हमें तो यही लग रहा था कि कोई परेशान हो रहा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं घर चलता हूँ, मेरी अम्मी इंतजार कर रही होंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पम्मी और उनकी अप्पी घर आईं, सबको आज की सैर का हाल सुनाया। उनके अब्बा जी ने जो सुना तो बहुत खुश हुए। मेरे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों नेक नियत हो और अच्छे इंसान हो। मुझे तुम्हारी नेकी और रहमदिली पर फख्र है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यहाँ आओ मेरे पास, ये लो मेरी तरफ से ये 10-10 रुपए। मश्क, इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, मियां पम्मी अपनी आपा को क्या कहते थे? सवाल नंबर 2, पम्मी और अप्पी को सड़क पर क्या पड़ा हुआ मिला? सवाल नंबर 3, लड़का परेशान क्यों था? सवाल नंबर 4, लड़के की अम्मी क्या काम करती थी? सवाल नंबर 5, बटुए में कितने रुपए थे? सवाल नंबर 6, अब्बा जी ने क्यों इनाम दिया? नेकी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार परवेज गौहर और शमाइला परवेज, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग अमित कुमार, निर्माण एवं निर्देशन अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।